मेरी यहाँ शुरुआत कैसे हुई? फौजी आदमी इन मंचों पर नहीं आते, या तो अपनी जॉब में मस्त होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो भी हमें जो सिखाया जाता है सेना में वो एक अलग दुनिया है और आप लोगों की अलग दुनिया है। आपके यहाँ पे आप यहाँ पे और कोई फोन करेंगे तो आप बताओगे मैं सिवारा हूँ एक मीटिंग में। हमारे यहाँ पे मैं खंभे से 3 मीटर दूर खड़ा हूँ यही बताया जाएगा। हमारे यहाँ झूठ खड़े नहीं सिखाया जाता सेना में। टाइम की कीमत सिखाई जाती है, सामने वाले की कीमत सिखाई जाती है। तो हमारी एक अलग दुनिया वो आप लोगों की समझिए, शायद कभी नहीं आएगी जिंदगी भर। आपके बच्चे भी सेना में होंगे, आप लोग उनको नहीं समझ पाते होंगे, कभी समझ भी नहीं पाओगे। हमारा एक अलग ही ट्रेनिंग है। हम लोग को सिर्फ शरीर यही रहता है, आत्मा मार के दूसरा पैदा कर दिया जाता है 11 महीने के अंदर शरीर में। 2013 में मैं कश्मीर में पहुंचे था, वहां पे अखबार में न्यूज पढ़ी किसानों की आत्महत्याओं की, और ये लगातार बढ़ती जा रही थी। तो एक फोटो देखा मैंने, अगर ऐसा तो रोज ही सुन रहे थे, हम लोगों के साथ भी घटनाएं होती रहती है, तो हमारे लिए इतना परेशान नहीं होता है। जीवन मृत्यु से कोई डर खत्म हो जाता है हम लोगों को, जिस दिन तिरंगे की शपथ लेते हैं। एक औरत ने तकरीबन 30 साल की उम्र की होगी, उसने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की होती, और वो पहले कुएं समझते थे गोल वाले रहता है, वैसे वाले कुएं में खुले कुएं में दिल्ली से साथ में 2 बच्चे लटकाए हुए थे, उनकी तीनों की डेड बॉडी थी, वो अखबार के फ्रंट पेज पर था। मन इसलिए परेशान नहीं हुआ कि वो औरत मरी, अब उनको 30 साल बाद मरती, मैं भी 20-30 साल बाद मर जाऊंगा, सब आएंगे सब जाएंगे, बच्चों की क्या गलती है। वो चीज ने बहुत परेशान किया मैंने, कि इन बच्चों को तो पता भी नहीं होगा जब इनके गले में दुपट्टा बांध रही होगी कि इनको क्यों मारना। जब उस बात की तह तक गए, वो बात दिमाग में असर हुई, तो मन बड़ा परेशान रहा। साथियों ने पूछा भाई क्या हो गया, घर में सब ठीक ठाक है, वो कहाँ पर पड़ी हो। फिर मैंने अपने बॉस को बताया, उन्होंने कहा ठीक है, बड़े स्तर पर काम करो, रिटायर होने के बाद तुम्हारे पास मौका ही मौका है, करो किसानों की मदद। वो दिन एक छोटा सा मतलब बाहर के पास आदमी 17.5-17 साल से पहले ही मैं सेना में चला गया, 16 साल 286 दिन का, कई समय में नौकरी लगी, खेती बाड़ी का कोई मतलब था नहीं। अब मन में आया कि किसानों के लिए कुछ बड़ा करना, और इतना बड़ा करना कि दुनिया में किसी ने ना किया हो, ऐसा क्या कर सकता हूँ। ना तो मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज थी खेती की, ना मैंने कभी खेती की, मोटरसाइकिल लिए खेत पर गए, नौकर से गन्ना मांगा, खाया, अपने घर आ गए। पहली बार पिताजी से पूछा कि खेती कैसे कर रहे हैं हम लोग, जब पता चला कि गड़बड़ है पूरा अंदाज पंचे दामों का। अभी मैं आपसे अगर 5 आदमी से अलग अलग पौधे में ले जाके पूछूं कि 1 एकड़ में कितना गेहूं डाला, तो 5ों की संख्या अलग निकलेगी। आप लोग अंदाज से खेती कर रहे हो, हर किसी की ट्रेनिंग होती है, सेना की है, पुलिस की है, सर की भी होगी, सभी की होती है, तुम्हारी नहीं होती कहीं। आप लोगों की सच्चाई होती है सफाई वालों से, कहीं वाले इधर वालों से, उधर वाले, जिसका आपको मतलब पड़ेगा वो आपको आगे पिताजी बना लेगा, और आपको बेवकूफ बना के अपने उल्लू सीधा करके निकल जाएगा। आप जहाँ पे वही हो, जब से देश आया मैं इस माइको पे हमेशा किसान और मजदूर की बात होती है, लेकिन कभी तुम्हारा भला नहीं हुआ, शायद होगा भी नहीं अगर तुम खुद नहीं जागे तो। मैं करते करते इसी कड़ी में खेती सीखी, सीखता गया, छुट्टी आया इस किसान के पास, मैंने पूरे भारत घूम गया। फिर मेरी मुलाकात होती है किसान पाठशाला से, मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, लेकिन मेरे जैसे पागल थे सरदार, उन्हें भी किसानों के बारे में कुछ करने की इच्छा थी। अब शराबी को शराबी मिलता है, भंगारी को भंगारी मिलता है, और पूजा पाठ वाले को पूजा पाठ मिलता है। संगत जैसी आपकी सोच होती है वैसे आपको लोग मिलते हैं। तो बोलो मुझे मिले साहब, मुझे लगा मेरा जो चैन थी वो मिल गई। अब मैंने उनके साथ खेती सीखना शुरू किया, प्रैक्टिकल करना शुरू किया अपने खेतों में। एक स्तर ऐसा आया हमारा कि आज मैं पूरे उत्तर भारत को लीड कर रहा हूँ 7 राज्यों को। अभी 10 तारीख में अगर मौका मुझे मिला तो हरियाणा में 5,000 किसानों का प्रोग्राम है, और वो आज जीरो साहब के साथ बैठे थे, तो काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने आना ही है, तो अगर समय मिला तो यहाँ तक मैं गया हूँ किसान पाठशाला लगाने, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। आपको एक चैनल है किसान पाठशाला यूट्यूब पे, जब आप उसको देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ, एक महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में, हमारी पूरी टीम लगभग किसानों के बीच में ही हूँ। हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बस जाग जाओ, जो तुम्हारे घर में उसको बना के कैसे खेती करो। हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, हमारा किसान पाठशाला निःशुल्क है, हम जो आपके पास है वो लेने आए हैं, जो हमारे पास है वो देने आए हैं। तो ये है किसान पाठशाला का काम, पूरी दुनिया में किसानों को
फ्रेंड सस्टेनेबल बनाना, आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, आपको पानी के प्रति जागरूक करना, आपको मिट्टी के प्रति जागरूक करना। देखो सीधी सी बात है, जैसी खेती आप कर रहे हो, पास साल बात तो कर नहीं पाओगे, ना इसे कोई खरीदने वाला, बंजर को कोई खरीदार नहीं होता। यहाँ पर भैंस की दुनिया खरीदार है, खाली की कोई नहीं। तो तुम्हारी खाली होने वाली है, कोई ध्यान रखनी इस बात की, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, जागना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। और ये तथ्य है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुद्दों की बात है। आपको भी पता है पिछले साल क्या डाल रहे, तो इस साल क्या, हर बार हर साल मार्केट में 5 सीसियां नहीं आती है, नहीं जो पिछले साल नहीं थी, कहां तक मारोगे जहर। तो सबसे पहले आपने मिट्टी पे काम करना है, जैसा अक्षत ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। मिट्टी में जितना ज्यादा गोबर की खाद यूज करोगे, सही तरीके से यूज करोगे। खेत की तैयारी में डॉक्टर के सिंह बताते हैं, नवरत्न खाद 9 तरीके की। आप जो ढेंटा पर खेतो ना, खाली ढेंटा मत बिखेरो, उसमें 3 गलान 3 किलान और 3 अन्य फसलें बिखेर के उसकी तैयारी करो। खेत की तैयारी में जिप्सम का प्रयोग करो, जिप्सम बिल्कुल जरूरी है आज की तारीख में। 5 से 8 क्विंटल जिप्सम एक एकड़ में डालना है आपने। अब सबसे जरूरी मुद्दा ये है कि मैं आज के आज तो ऑर्गेनिक पे जा नहीं सकता भाई। आज आप अगर हो और कल से ही आप ऑर्गेनिक पे चले जाओगे, तो ना तो आपके पास अभी देसी गाय, ना आपके पास पूरे अभी संयंत्र, ना आपके पास ये जितनी ऑर्गेनिक चीजें हमारी बनाने के ड्रमों में बनेंगी, इसमें कम से कम 6 महीने साल भर लगेंगे। तो मैं अब अगले साल भर तक जहर मुक्त कैसे उगाऊं, किससे खरीद कर लाऊं, कंट्री लेकर के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, जो रासायनिक खाद है जो भी दे रहे हो, उसको बस गोबर की 3 गुना खाद में मिलाना शुरू कर दो। जैसे 50 किलो ये भी डाल रहे हो आज, उसको 25 कर दो और 3 गुना सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाओ। बाल्टी से पानी छिड़को और 5 बीघे में 10 किलो सरसों की खल उसके अंदर मिला लो, साथ में ऐड कर लो। और इसको 8 दिन के लिए एकदम पॉलिथीन से ढक के रख दो। या आप लोग ध्यान से सुनना, घर की धुरी आप ही हो, जब आप लोग का चिंता बचता है ना तो सारे काम हो जाते हैं घर में, ये आप ही करवा सकती हो। बाकी इनके बस की काम नहीं है तो क्वार्टर मारेंगे शाम को अपना फिट। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको 8 दिन तक एयर टाइट करके रखना है, हवा नहीं लगनी चाहिए। अब क्या हुआ, इससे आपका जो रासायनिक खाद है वो पूर्ण होकर आता है केमिकल के साथ, तो ऐसा करने से उसके अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं और जो आप केमिकल चला रहे हो वो काफी हद तक रिलीज हो जाता है और इसको होते रेसिड्यू फ्री और शेष मुक्त खाद। तो आपकी जमीन को ये खराब नहीं करेगा, आपकी फसल को खराब नहीं करेगा, आपकी जमीन में फिक्स नहीं होगा। आज दोगे आज ही 6 घंटे से काम करना शुरू कर देगा और आपके खाद की मात्रा आधी हो गई आज से ही। क्या किया, बस गोबर की खाद में मिलाकर रखा, इतना काम आप लोगों ने करना है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो खेत की मिट्टी ले लो अपनी, शुगर मिल का प्रश में बकरी की खाद, मुर्गी की खाद, जो भी बायोमास मिले, मॉइस्चर देके नमी दे करके उसको रख दो। अगर मुर्गी की खाद में मिला रहे हो तो फिर सरसों की खाद नहीं मिलानी। ये समझ में आया आपको, आज से खाद कैसे देनी है, इसका रिजल्ट देखना, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। देखे 25 किलो 75 किलो का काम करेगी, नहीं तो एक खेत में 3 बोरी डालना और एक में 25 किलो डालना और जिसका रिजल्ट बेहतर आए तो बताना। हमारे किए हुए काम है, मैं जो भी बात बोलूंगा मुझसे हवा में नहीं है, मैं पिछले 10 साल से पागल हूँ इस काम में और इसी के साथ इतने लोग साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरा आप लोगों ने क्या काम करना है, पानी को बैलेंस करो। आप लोग चौड़ीपुर पे कितना बोल रहे होंगे, काफी लोग, एक बार इधर पानी दो, एक बार इधर पानी दो, एक बार इधर पानी दो, एक बार इधर, अल्टरनेटिव। इससे क्या होगा, ड्रिप जैसा पानी लगेगा आपके खेत में और आपका खेत चौकिंग नहीं होगा। बताने के लिए ये मेरा कम से कम 3 घंटे का सेशन होता है, लेकिन समय की कमी है, और भी लोगों को बोलना है, और भी मुद्दों पर बात करनी है। तो इससे आपका पानी बचेगा और पौधे को भापसा कंडीशन चाहिए। भापसा कंडीशन मतलब जमीन में जब 30% पानी बच जाता है, वो बचे हुए पानी को ही आपका पौधा लेता है। 70% भाप बनके या जमीन में नीचे छोड़ के निकल जाता है, तो जो 30% बचा ये बचता कब है, पानी देने के 5 दिन के बाद। तो 5 दिन तक आपकी फसल को इंतजार करना पड़ता है कि 5 दिन हो ये पानी भाप बनके उड़े, तो बचा हुआ 30% के साथ आपका खाद लगेगा। तो शुरू में 3% दे दो यार, क्यों जबरदस्ती 5 दिन खराब कर रहे हो। उन्हें साल भर में 20 पानी दिए तो 100 दिन खराब हुए कि नहीं हुए, 100 दिन में फसल तैयार हो जाती है। वो जो गन्ना लगाया वो 100 दिन पीछे हो गया आपका, तो 100 दिन में कम से कम 30 क्विंटल तो बढ़ ही जाएगा एक एकड़ में, अगर आप मेहनत इतना सिर्फ बैलेंस पानी कर दिया तो। नहीं तो 2 बोर्ड में देख देख लो, एक बार इधर एक बार इधर, क्या करना है, 10 बीघे की जगह 5 बीघे में काम लगेगा। जो जवान खड़ा होकर रोटी नहीं दे सकता और जो किसान खड़ा होकर पानी नहीं दे सकता, वो जवान और किसान कहलाने के लायक नहीं है। ये शुद्ध कड़वे शब्दों में बड़ी बढ़िया वाली लाइन है, कोई काट नहीं सकता, ठीक है।
जवान वहाँ खड़ा है इसलिए सुरक्षित बैठे हो यहाँ, वो सो जाए तो बैठ के यहाँ लिखो नाम भेजा लिख दो पड़ता। और किसान खड़ा होकर पानी दे रहा है तो इसलिए फसल आ रही है, नहीं तो वो ये आपको पानी पे ध्यान देना है। इस तरीके से खाद नहीं है, स्प्रे डॉक्टर साहब ने बता दिए थे, एक आप मिट्टी का स्प्रे प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, 5 फीट का गड्ढा खोदिए उसके 200 आपके बुधानंदन हो रहा है ये काम बुधानंदन में, और आपने ये 25 किलो मिट्टी लेकर 200 लीटर पानी में खोलनी है, इसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड सुक्रोज डाल दो या आपका गुल हो गौमूत्र हो वो डाल दो और इसको 2 घंटे छोड़ दो, सॉरी 24 घंटे 24 घंटे के बाद डंडे से चलाओ, 15-20 मिनट नीचे बैठे तो छान के सीधा स्प्रे करो, इसका स्प्रे भी अगर आप फसल खाएंगे फल खाएंगे तो आपके आंखों का रचौंधा ठीक हो जाएगा, जिनकी आंखों में कमियां हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो रही है, लोगों की हमारे सामने लोगों ने बताया है जो हमारा मिट्टी का स्प्रे लोग कर रहे हैं, तो ये किसान पर्सनल पे सब जानकारी आपको मिल जाएंगी। दूसरा ये हो गया जहर मुक्ति का, उन्होंने भी काफी चीजें बता दी आपको किसान पर्सनल मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि भाई किसान कर्ज मुक्त कैसे होगा, आपके क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में पानी की कमी है, इनसे क्या हमारे सबके में पानी की कमी है, गन्ने से जितने लोग हैं सब गन्ने लगाते होंगे, कितनों के कृषि कार्ड खत्म हो गए, ये कभी नहीं हुआ होने का, सबके सब लोगों में दबे बैठे होंगे, गन्ना सोसाइटी का भी होगा तुम्हारे ऊपर और जो खाद वाली सोसाइटी उसका भी होगा, कृषि कार्ड का तो है ही, वो तो खत्म ही नहीं होना, तो ये खत्म कैसे हो, और ये लड़के जो 10-12 हजार रुपए में गुड़गांव जाके धक्के खा रहे हैं, इंजीनियर बोलते हैं अपने आप को बेचारे, ये वहां जाके इनका शोषण होना बंद हो जाएगा, दिल्ली गुड़गांव में तुम्हारे बालक ये 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, इससे ज्यादा की नौकरी नहीं है, जूता बदलने के लिए पैसा नहीं है, उसके बाद महीने के लास्ट में 8 हजार का पीजी 4-5 हजार खर्चे के खत्म कहानी, पिताजी बोलते हैं मुझे बुला रखिए मेरा इंजीनियर है भैया, तो झूठ बोल रहे हो लोगों से, तो इन भारतों को भी रोजगार कैसे मिले अपने गाँव में, एग्रीकल्चर से खेती से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में, वो अलग बात है कि हमें करना नहीं आ रहा। मैं जिन क्षेत्रों में काम करता हूँ जहाँ पे भी है बिजनौर में भी है, होता दिए चले अंधेरा तो मैं दिए के नीचे घुस घुस के अंधेरा दूर कर रहा हूँ, आप लोगों को करना है तो कर लो, वरना मेरा काम तो बोलने का है, बोलना और चले जाना। हम आप लोगों के साथ फोन के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू किसान पर्सनल के थ्रू हमेशा टच में, एक किसान पूरे भारत में ये नहीं कह सकता कि मैंने राहुल यहाँ खेड़ी में कोई भी फसल आपके पास हो, गेहूँ चना गन्ना मटर निःशुल्क जानकारी हम लोग देते हैं, फ्री में कोई बिना पैसा दिए, ना कोई प्रोडक्ट हमारे पास है, आपके घर में क्या आया हो, एवरेज भी 140-135 क्विंटल गन्ने का आया वीडियो में, नहीं तो आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर आप देख लेना। दूसरी बात, बांस की खेती जैसा डीओ साहब ने बताया था, तो आने वाला समय बांस का है, क्यों नहीं, अब धीरे धीरे पर्यावरण खराब हो रहे, कभी पहले मटमेरे में जाते थे रिश्तेदारी में तो सुरक्षित पहुंच जाते थे शादी में, आजकल कोट काला हो जाता है, सफेद है तो काला, काला है तो सफेद, इतना ज्यादा गड़बड़ हो गई, पौधा आप काट रहे हो उसके बाद उसको लगाने में कम से कम 10-15 साल लेगा वो दोबारा उसी स्थिति में, तो भैया ये ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होगी, वातावरण की गंदगी, हर आदमी को मोटरसाइकिल चाहिए, यहाँ जितने लोग आए होंगे सब या तो मोटरसाइकिल से आए होंगे या कार से आए होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो गाँव के होंगे पैदल आ गए, और गाँव के पल्ले धोने का भी है तो जरूर कलाकार मोटरसाइकिल से आया होगा, पैदल चलने की जहमत नहीं करी होगी उसने, तो ये जो धुआं तुमने निकाला सिलेंडर से इसको फिल्टर कौन करेगा, मेरे बाप के नौकर नहीं लग रहे ऊपर, मेरे अंदर सिंह देखे वो जाकर के नीचे से मैं धुआं निकालूंगा और ऊपर वो मुझे फिल्टर करेंगे, ये मेरे पीढ़ियों के सामने आएगा, मेरे बच्चों के सामने आएगा, घूम करके मेरी नाक में आएगा, इसीलिए हर गाँव में कैंसर, हर गाँव में एयर फिल्टर लगने लगे, सोचो तुम एयर फिल्टर के हवा को फिल्टर करने के लिए, गांव इतना दूषित हो गया, इतने कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हो कि गांव में घुसते ही केमिकल की खुशबू आती है, तो बांस की खेती ऐसी है जो आपको एक बार इन्वेस्ट करना है पैसा, एक एकड़ में 630 बांस लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधा 6 या 7 फीट 5 फीट डिपेंड करता है मिट्टी कैसी है, लगभग 500 से 630 पौधे एक एकड़ में आते हैं 5 फीट, बीच में 12 फीट बहुत है, आराम से 2 साल खेती होती है, उसके बाद 5वें साल ये बांस आपको पूरे 5 साल तक का पैसा इकट्ठा दे के जाएगा, इतना आपको बाकी फसलों में नहीं मिल रहे, मैं हिसाब बता देता हूँ आज का, 5 साल की बात की छोड़ो, गवर्नमेंट भी और अब ऐसे रूल आने वाले हैं, कोयला तो हो गया खत्म, मेरे मित्र हैं त्यागी जी उड़ाना के, वो कह रहे थे कोयला भत्ता चलाना बहुत मुश्किल हो गया, मगर क्यों बोले कोयला खत्म हो गया, अब आप दिमाग लगाओ कोयला कहाँ चलाओगे, भत्ते में क्या चलाओगे, आदमी क्या करना, कोयले कोयला चाहिए या लकड़ी चाहिए,
अब लिप्टिस करके जा रहा है, तुम लोगों ने काफी लोगों ने देखा होगा, तो ये भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि दूसरा लिप्टिस अगले 7 साल में आएगा। बीच में क्या जलाओगे, फर्नीचर किसका बनाओगे, प्लाई किसकी बनाओगे, ये सब चीज का रिप्लेसमेंट एक ही है दुनिया में, जो गंदगी से बढ़ता है वातावरण की, वो है बांस। जितना ज्यादा वातावरण पोल्यूशन बांस उतना तेज बढ़ता है। रही बात इसकी बिक्री की, आजकल भाई साहब आपके पास सामान होना चाहिए, खरीदार कोने कोने पर खड़े बिजनेसमैन। आज जो बांस की कीमत है वो 2 रुपए किलो किसान के को देने के बाद है, 2 रुपए किलो किसान को बचते हैं। एक बांस का वजन 25 किलो से 75 किलो जाता है। अगर हम 25 किलो से बात करें और एक बांस की बात करें तो 50 रुपए का एक बांस गया। एक बांस के भीड़ में हर साल की अगर मैं बात करूं कि पहला बांस हमारा 5 साल कट गया, अब हर साल कटेगा क्योंकि 5 साल इसने लिए अपनी जो जड़ है उसको स्टेबल करने के लिए, ट्यूबर को बढ़ाने के लिए। अब यह हर साल बांस देगा, आपको देगा कितने, 3 मास से लेके और 15 मास तक। आप 15 छोड़ दो, 10 छोड़ दो, कि एक एवरेज लेके आएगा, कि मुझे 5 बांस एक बांस से मिलने हैं या 4 बांस एक बांस से मिलेंगे। बात करना आपके पास 600 भी नहीं है, 150 पेड़ मर गए, 500 पेड़ एक एकड़ में बचे हैं, तो 250 रुपए का एक पेड़ हुआ, 250 गुणा 500 कितना हुआ, 1,25,000। क्या दिया बांस को, ना तो पानी चाहिए, ट्यूबवेल का कनेक्शन काट देना बांस लगाने के बाद, खत्म कहानी, बस एक ही साथ देना है, ना इसको स्प्रे चाहिए, ना 35 किलो के बांस को लेकर भागने वाला, इतना पहलवान गांव में बचा नहीं पड़ी, और भागेगा तो पता चल जाएगा भगवान का बांस काट रहा है, ठीक है। और एक दो बांस लेके भी जाएगा तो मैंने पहले 125 बांस अलग कर दिए, कितने बांस छुरा होगा, 1,000 बांस तो छुराने से रहे, तो आपका कम से कम 1,25,000, 1,25,000 को 5 से भाग करो कितना आया, 25,000 रुपए बीघा, 25,000 को 350 से भाग करो कितना आया, टेक्नोलॉजी 25,000 को 350 से, 350 रुपए कौन सा भरा करना, हमारे दिमाग को फुकूर निकालना करने का, और गन्ने से लापरवाह फसल है ये, एक बार लगा दो खत्म कर ली। 75 क्विंटल गन्ना जिस दिन बचत घर ले आओगे उस दिन मरे हुए बांस की बराबरी कर लोगे आप लोग। बांस का जो रेट है वो 5 रुपए किलो है, मैं 3 रुपए इसलिए बताया आपको, किसान को हमेशा न्यूनतम बताओ, उसको वो सेफ्टी की लॉलीपॉप मत दिखाओ, और बांस को आएंगे 7-8 बांस आते हैं, मैं 3 ही बताया आपको 4, तो न्यूनतम बांस 75 क्विंटल गन्ने की बचत, यानी कि 120 क्विंटल का एवरेज अगर खेत में आ रहा है तब जाके हमें 75 क्विंटल बचता है। और बांस और गन्ना हर साल पलटोगे तुम 2-2 साल में, बांस को ना खाद ना पानी ना कूट नथिंग, घर बैठो अपने आप आएंगे लेके जाएंगे, दुनिया पीछे पड़ी है बांस के, ये है बांस की खेती। अरे कुछ नहीं तो भाई बाउंड्री पे तो लगाओ कम से कम, बांस की पौध आपको कहाँ से मिलेगी, ये मध्य प्रदेश से मिल जाएगी आपको, बिग किसान से आप कॉन्टेक्ट कर लेना, किसी से भी यहाँ जो मिलेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना, उनको भी मिल जाएगा, मैं भी दिलवा दूंगा आप लोग, बाउंड्री पे तो कम से कम 5-5 फीट पे बांस लगाओ। बांस एक ऐसी चीज है, अगर किसी की पेंशन, लोग मेरे साथ ये कहते हैं तेरी मौज आ रही, तेरी पेंशन आ रही है, तुम भी मौज दे लो बांस लगा लो, 5 साल बाद तुम्हारी पेंशन आनी चालू, मना करी किसी ने, जी अगर 500 पेड़ लगा दिए 50 बीघे के चक में, मरे मरे 500 पेड़, तो पेंशन बन गई कि नहीं बन गई हर महीने की, तो मुझे तो खोस रहे हो, मैंने तो मेहनत करी हूँ बांस से लगाई जीवन पर सेना में, बांस के कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को, जाओ इस तरह आपके बच्चे दुआएं देंगे आपको कि हमारे बाप ने कुछ अच्छा करा था मरने से पहले, कम से कम 20 बीघे जमीन है तो 5 बीघे बांस लगाओ, और जब इस गांव में 100 बीघे बांस होगा ना तो यहाँ लोग तुम्हारे पैर पकड़ेंगे, मैं ला के पटक दूंगा यहाँ लोगों को गरमान उठा के, लेकिन लाऊं क्या, नंगा निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या, सुथरा बांस नहीं, किसे लाऊं यहाँ व्यापारी को, बिजनों में 1,000 व्यापारी मेरे पास है, हनुमानगढ़ में हमारे पास प्लांट है, वो तैयार है कि मुझे दिलाओ 500 एकड़ का बांस, पाया बांस में मैं दिलाऊंगा, लाओ आपके पास बांस हो तो 2 मिलियन के दर्जे भेजू 20 ट्रक कर मैं सिवाड़ा क्षेत्र में, बांस लेने के लिए किसी पे है बांस, 1,00,000 रुपए एकड़ का ठेका बताओ कोई है तो मैं तैयार हूँ आज खड़े मंच पर जिला कृषि अधिकारी के सामने, है ही नहीं तुम पे, गन्ना ले लो गन्ना, कुत्ते भी पूछ रहे थे 40 क्विंटल का एवरेज दे रहा तुम्हारा गन्ना, पीछे देख के आया मैं, क्या बच रहा है उसमें 6,000 7,000 2.5% नहीं बचा पा रहे हैं आप 1 बीघे में, तो लाना चाहती खेती पे यार, खेती करो तो उच्चतम करो, नहीं तो करो मत। अब बात आती है अगर और ज्यादा मेहनत कर सकते हो, इस पैसे को डबल करना है
तो बुथाने मेले में चले जाओ, बीज ऑर्गेनिक करके प्रोड्यूसर कंपनी है, इनके पास केला है कम से कम 100 बीघे, वो मेरी गाइडलाइन में है पूरा केला, जाके देखो। वहां का जाहिर नाम का लड़का है उससे मिलो, वो आपको समझाएगा केले के बारे में। केले केले की जो खेती है अगर आपने मार्गदर्शन में करी जानने वाले के, देखो हम लोग फेल क्यों होते हैं, हमारे अंदर घमंड बहुत तकड़ा वाला है कि मैं मर जाऊंगा मेरा बर्बाद हो जाएगा, मैं इससे पूछूंगा नहीं, ये चीज गड़बड़ है, ये इसको बताऊंगा नहीं। किसान पाठशाला पे आप आओ, हम आपको हाथ पकड़ के केले और बांस की खेती करवाते हैं, बेचने तक में आपको व्यापारी तक लाके हम यहाँ पकड़ाते हैं, और आप अगर अच्छी क्वालिटी बनाएंगे तो विदेश भेजने के लिए भी हमारे पास टीम है। ये आपको भी पता है हमारे पास लोग हैं जो विदेश भेजने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपके पास माल तो हो, क्वालिटी तो हो, तुम छकड़ा स्प्लेंडर लेके घूम रहे हो, मार्केट में डिमांड है बुलेट की, भैया बुलेट लाओ तो आज बिक जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। जो मार्केट में डिमांड है वो तैयार करो, तो बांस की डिमांड है आज की तारीख में, आने वाले समय में ये डिमांड बढ़ेगी, और 5 साल बाद आप सोचोगे यार इस आदमी ने हमारे गांव में लेक्चर किया था एक बार, और यार जो कहां से पकड़े बांस लगाना, तो 5 साल बाद अगर आप बांस लगाओगे तो अगले 5 साल बाद वो कटेगा, तो सोचो 10 साल पीछे गए आप, पिछले 10 साल में कितनी दुनिया बदल गई मेरे नौकरी करने से और आज तक, मेरे पढ़ते रहने से और आज तक दुनिया बदल गई, तो अभी तो कितना बदलने वाला है, और हम लोग आखिरी पीढ़ी है जो ये बदलाव ला सकते हैं, हमारे बाद वालों को मौका नहीं मिलेगा इसको रिकवर करने का। अभी हाथ रपड़ते रपड़ते मेरी उंगली पकड़ रखी आपने, अभी ये छुट गई तो मैं कुएं में हूँ, फिर बचने का कोई उपाय है नहीं, तो ये आखिरी समय है आप और हमने मिलके ही इधर आना है। केले की खेती में एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल तक दोबारा पौधा लगाने की जरूरत नहीं है, लाइन से लाइन 5 फीट पौधे से पौधा 8 फीट नीचे उसके आच्छादन कर दो, आपका कार्बन बढ़ेगा, और ओडीवन पानी देना है, मिट्टी का स्प्रे, जहर मुक्त खाद, मरे से मरा 20 किलो का खर्चा आता है, मरे से मरे की बात कर रहा हूँ, 10 रुपए के रेट में बिक जाता है, 100-150 पेड़ खत्म मान लो, ये भी लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपए एकड़ में लेके जा रहा है अगर आपके पास सही जानकारी है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप फेल हो जाओगे किसी भी खेती में, कोई सी भी क्यों ना हो। आप लोगों को बांस की तरफ आना है, आना चाहिए, और केले की तरफ आना चाहिए, चीजें बहुत सारी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप किसान पाठशाला को देखो और फॉलो करो, और जो भी आपके प्रश्न हो प्रश्न तो जरूर होंगे, क्योंकि आपकी खेती कर रहे हैं दुकान वाले, आप लोग नहीं कर रहे, पत्ता पीला होता है पागलों की तरह पे दवा फल के पहुंचाते दुकान पर, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये पता मेरे राइफल का अगर राउंड फंस रहा है तो मैं मिस्त्री पास जाऊंगा लड़ाई के दौरान में, मेरी राइफल का मुझे पता होना चाहिए किसका राउंड लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें पता तो हो मेरे पत्ता पीला क्यों पड़ रहा है, पत्ते में दिक्कत है बैक्टीरियल की पहुंच गया फंगस की दवाई लेने फेल रहेगा वो तुम्हें 5,000 की दवाई, यही हो रहा है, इसीलिए कृषि का उतर रहा है तुम्हारा, उतारना है तो ये दो फसलें हैं आप लोगों के लिए केला और बांस, भाषा कड़क है इसको बुरा मत मानना, जीवन भर मैंने वही किया है, सेना में थोड़ा सा दिल नरम होता है जवान कड़क होती है, और ना मुझे बोलना आता, मैं सेना से निकल के आप लोगों के बीच में आप लोगों को वो समझाना है जो मुझे समझाना चाहिए, बस आप लोगों की समझ में बात आ जाए। किसी का कोई सवाल है तो मेरा नंबर नोट कर लो, आप मुझसे सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक बात कर सकते हो, क्योंकि 5 के बाद मेरा गला काम नहीं करता। 94070-38222 केले का बांस का किसी के खोपड़ी में अगर कीड़ा उठे तो मेरे पास आ जाना, और इसको कीड़े को उठा लो, नहीं तो बाधा आने वाले समय में फीस नहीं दे पाओगे तुम बाल को भी। 94070-38222 और आप लोग अपने इसको समूह को चालू करो, खाली सरकार की डायरी लेके फैसले से काम नहीं होगा, आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बनाओ बांस की अपने यहाँ खेत, आप बांस के राहुल जवान 94070-38222 48 सुनो, जमीन नहीं है तो क्या करना है, जिनके यहाँ पे बांस है उनके, मैं अपने गांव के चक्कर में लगा हूँ पूरा, डीएम साहब को बिल्कुल पीछे पड़ा हूँ मैं कि मुझे मेरे गांव की पड़ती जमीन चाहिए खाली, उसमें लगाऊंगा घाम बनखा तो बांस, चाहे मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़े। आने वाले 5 साल के बाद जितनी मेरे गाँव की माताएं बहने गन्ना छोड़ रही 40 रुपए क्विंटल पे, बेचारी गठरी इतनी भारी भारी गठरी हमसे नहीं उठेगी, और वो जंगल से पसीने में सर होकर आ रही है, और लोग इतने बदतमीज हैं कि उनको गलत निगाहों से देख रहे हैं, ये नहीं कि वो बेचारे का पल्लू खड़ा हुआ है घास ला रही मैं इधर मुंह कर लूं, उनको मुझे घर में बचाना है, और उनसे बोलना कि तुम ये सोफे बनाओ, फर्नीचर बनाओ, कुर्सी बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, कंघे बनाओ,
बांस की हर चीज बन रही है और वो मेरे गांव से मेरी गांव की उन्हीं औरतों से बिकवाना है। मेरा क्या नकल आदमी तो 20 साल का मर्दान है लेकिन मैं 5 पीढ़ियों में हमारा जन्म अपने गाँव के। तो समाज के लिए कुछ करो जीवन में अगर आए हो तो। ये कौन करेगा? आप लोग। तो जिस पर जमीन नहीं है वो क्या करेगा? बांस की ट्रेनिंग कैसे लेनी है वो भी इनके पास सब कुछ है। गुवाहाटी में फ्री ट्रेनिंग होती है, जाओ, पूरा खर्चा सरकार का है। हर महीने 2 आदमी की डिमांड है एक जिले से गुवाहाटी में। बांस के जो भी चीजें हैं ना आपकी, जैसे छोटी सहन रखी, ये भी बांस के बन रहे हैं, बटन बांस के बन रहे हैं, कपड़ा सारी बांस की बन रही है। तो सारे काम ताई बांस का होना, बाकी लकड़ी तो खत्म। तो ये आप लोगों ने नहीं सोचा तो कौन सोचेगा? जैसे बिटिया बैठी है, एक हमारे मित्र हैं, उनकी लड़की ने बांस से चाय बना दी और वो चाय कैंसर को मार रही है। मध्य प्रदेश कैंसर गजेंद्र पाटीदार, उनकी लड़की ने बांस की चाय बना करके दे रही है उन लोगों को। देखो दिमाग किसान के बच्चे का। तो ये इन लोगों को सोच रहे हैं। खाली यूट्यूब में सपना चौधरी के गाने देखोगे तो कुछ नहीं मिलना भाई, याद रखो मेरी बात। अच्छी चीजें देखो, दिमाग मिलाओ, आगे बढ़ो। ये लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, रहने वाले कहीं और कहीं और हमारे यहाँ बैठे भूखे प्यासे, इनका काम एक दिशा दिखाने वाला है। जैसे बल्ब जला दिया अंधेरे में, अब आपको गिर के चलना है, लिट के चलना है, ये आपको सोचना है। इनका काम नहीं है, ये बड़प्पन इन लोगों का दिन रात परेशान होकर के हमारे जिले को ऊपर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को आगे आके काम करना है। आज नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे, याद रखना भाई। समझ में आई क्या करना है? अपने समूह को बड़ा करो, इससे चीजें बनवाओ, मिले मोटा अनाज। तुमने तो सुना ही होगा उसकी इतनी डिमांड है, 100-100 रुपए किलो जा रहा है। तुम तैयार करो, मैं भी कहूंगा। है तुम्हारे पास? नहीं है, है ही कुछ नहीं, खाली बैठे हो बस। पंजीकरण करा के मैं प्रधान जी लिया, मुझे मजबूरी। ऐसा मत करो, आप लोग जागो, दो पैसे कमाओ घर में, तो हर 6 महीने में साड़ी बदल लोगी, नहीं तो 3 साल में एक ही मॉडल पहनना पड़ेगा। गाँव में सब आ जाएगा, हम आगे तो क्यों नहीं आएगा, सब आएगा, आपको करना पड़ेगा। देखो आगे कोई करता नहीं है, ग्राम प्रधान का काम है आपको हमसे मिलाना। आपने मेरी बात सुनी, नंबर दे दिया, जिला कृषि अधिकारी दिखा दिए। मैडम आप लोग अगर मशरूम की खेती करोगे तो मैडम आपको बताएंगे ईमानदारी से, 5 ओवर से मिलते हैं, किसी की सर्विस बैठक सुन लो, इसमें कोई ना बैठता हो, उसके अंदर कम से कम मोहल्ले की पूरी औरतों का खर्चा एक साल का निकल जाएगा। धन्यवाद।